हाय गाइस, सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को और इस बेल के आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं आप। संगठन कैसे संगठित होता है, कैसे अनुशासित होता है, उसका परिचय आपने देश के तमाम, चाहे वो रेल मंत्री हो, गृह मंत्री हो या भारत सरकार लोकसभा के सांसद हो, सभी के सामने आपने एकताबद्ध होकर के जो आपने परिचय दिया है उसके लिए संगठन और मैं व्यक्तिगत तौर से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। साथियों, मुझे मालूम है कि एक लंबा समय होने के बाद किसी भी मिशन में लगे हुए व्यक्ति को जब समय बहुत ज़्यादा समय क्रॉस करता है और जब लक्ष्य काफ़ी नज़दीक रहता है उसी समय आदमी को हरासमेंट हो जाता है, उसके अंदर ऊर्जा की कमी महसूस होती है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाने काम करता हूँ, कोई भी हताश, कोई भी निराश होने की, तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आज तक आपको इसलिए अभी तक पता नहीं चला कि हमारे लिए अभी तक क्या काम हुआ है, क्योंकि हमने अभी तक आपको उस जगह पर भेजा ही नहीं, हमने उस जगह पे आपको अभी तक रखा ही नहीं जहाँ से आपको ये महसूस हो कि भारत सरकार के द्वारा मुझे ये तमाम सुविधाएं मिला, मुझे भी रेलवे कर्मचारी का दर्जा मिला, हमने अभी तक आपको वहाँ तक भेजा ही नहीं। आपकी बहुत सारी डिमांड बहुत पहले मिल चुका है, लेकिन हमारा एक मुख्य डिमांड था कि जब तक मुझे रेगुलाइजेशन नहीं किया जाता है, जब तक मुझे वेतन मान सुनिश्चित नहीं किया जाता है कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के पदाधिकारियों को, रेलवे माल गोदाम में काम करने वाले श्रमिकों को एक समान वेतन मिलेगा, तब तक हम आपको उस जगह से नहीं भेजना चाहते, क्योंकि आप ऐसे लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से आपने संगठन को मदद करने का काम किया। आज माल गोदाम में जो लोग काम कर रहे हैं, दो पैसा वहाँ से कमाने का काम कर रहे हैं, उससे रोजी रोटी उनके परिवार के लोगों को चल रहा है, लेकिन आपने उन उन ऐसे लोगों को सपने साकार करने के लिए अपना सब कुछ लगाने का काम किए हैं जिनके घर में सदियों से अंधेरा था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और उन तमाम रेलवे माल गोदाम श्रमिकों के जो समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में गुजर बसर करते हैं, उनके लड़ाई में जो आपने सहयोग और समर्थन दिया है उसके लिए संगठन आपका हमेशा हार्दिक अभिनंदन स्वागत हर तरह से करता है। साथियों, अभी जो मुख्य बातें हैं, अभी हमारे बीच मनोज मेहता जी बोल रहे थे कि हमारे छोटे भाई मनोज कुमार किस चीज़ में भर कर लाए हैं जो हम तक देने का काम करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी जो संपत्ति है, आपका जो अधिकार है, वो किसी एक भी चीज़ में भर के नहीं लाया जा सकता। उसके लिए देश के तमाम रेलगाड़ी मालगाड़ी की आवश्यकता पड़ेगा। 6,85,000 के परिवारों को रोजी रोटी दिलाने का जो व्यवस्था है वो किसी बोरा और किसी गाड़ी के डिक्के में भर के लाया जा सकता है, उसको जब भी लाया जा सकता है तो सरकार के आदेशित होकर करके और असंख्य माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम करेंगे और वो काम का शुरुआत हो चुका है। इसके लिए सबसे पहले मुझे आवश्यकता है, मैं आपके सामने अपने संघर्ष के जीवन को व्यतीत नहीं करना चाहता, इसलिए कि आप हमारे संघर्ष के जीवन के साथी हैं, आपने हर एक पहलू को, हर एक समस्या को अपने सामने देखा है। आपने वो भी देखा जब मनोज सिन्हा जी कार्यक्रम हुआ, उन्होंने कहा कि मैं त्रिपक्षीय बैठक करके आपकी समस्याओं को निदान करूंगा। मैंने मनोज सिन्हा को आपके समक्ष, जिसमें बिहार विधानसभा का चुनाव चल रहा था, मैंने आपके घर घर तक उनको पहुंचाने का काम किए और चाहे 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी जहाँ उपस्थित थे वहाँ पर भी उठकर के उन्होंने कहने का काम किए कि अरुण पासवान जी जो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं उस लड़ाई का बहुत कम समय में अंतिम स्वरूप होगा। मेरे साथियों, क्योंकि काम पूरे भारतवर्ष के था, 6,85,000 मजदूरों का भविष्य लिखने का काम था, तो बहुत आसान तरीके से इतना बड़ा काम नहीं होना है। जो भी जितना बड़ा भी काम का अगर आयोजन हो उसी समय तो उसमें समय